जीएसटी काउंसिलिंग ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। साथ ही इनके चार्जर पर भी 18% की बजाय 5% टैक्स ही वसूला जाएगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिलिंग की 36वीं बैठक में यह फैसला हुआ। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहन मौजूदा कीमतों से सस्ते मिलेंगे। फैसले का मकसद लोगों को पेट्रोल डीजल वाले वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 12 से ज्यादा यात्रियों की क्षमता वाली बसें किराए पर लेने पर स्थानीय निकायों का जीएसटी माफ होगी। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने जीएसटी काउंसिलिंग के फैसले का स्वागत किया है। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के डायरेक्टर जनरल सोहिंद्र गिल ने कहा कि इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहनों और पेट्रोल डीजल वाहनों की कीमतों का अंतर कम होगा। इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का चलन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अब बैटरियों पर जीएसटी 18% से कम होने का इंतजार है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का खर्च हमेशा के लिए कम रहने में मदद मिलेगी।